साल 2024 में आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी पंचांग की पहली तिथि 3 अक्टूबर को होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से देवी दुर्गा के नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस दौरान देवी दुर्गा अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए स्वर्ग लोक से धरती लोक आती है। इस साल नवरात्रि हस्त नक्षत्र में होने से श्रद्धालुओं को इसका शुभ फल प्राप्त होगा और हर कार्य में सफलता मिलेगी। नवरात्रि में घट स्थापना करने का खास महत्व होता है। इसके लिए हमने हरिद्वार के ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री से बातचीत की। नवरात्रों में देवी दुर्गा के अलग अलग 9 रूप की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ उसे हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। नवरात्रों में सबसे पहले घट स्थापना की जाती है। इसके बाद देवी दुर्गा की 9 दिनों तक व्रत रखकर पूजा की जाती है। घट स्थापना करने के लिए कुछ सामान का होना बेहद जरूरी बताया गया है, और वो क्या आइए आपको बताते हैं। तो उसके साथ ही जितनी भी हमारी घट स्थापन से संबंधित सामग्री है, जैसा कि मैं थोड़ा दो चार कुछ सामग्री का नाम देना चाहता हूँ, सभी ध्यान से सुनिए। जैसा कि बालू रेत हो अथवा शुद्ध मिट्टी हो, एवं नारियल पानी वाला, और उसके ऊपर एक लाल चुन्नी या कोई लाल वस्त्र लपेटने के लिए होता है, उसको कलावे से डोरी से बांध देते हैं। इसके अतिरिक्त जो तिल हैं, जो हैं, एवं कपूर, धूपबत्ती, अगरबत्ती एवं सुपारी और पान, रुई, इस प्रकार से देसी घी, इस प्रकार से ये जो सभी सामग्री हैं, और दुर्वा, ये इस प्रकार से सभी सामग्री को एकत्रित करें, और जो माँ दुर्गा के लिए एक थोड़ी बड़ी चुन्नी जो बड़ी सुंदर हो उसको उड़ाएं, और तत्पश्चात जो उसका समय है उसके अनुसार ही घट स्थापन करें। और क्योंकि घट स्थापन यदि हम वैसे लोटा रख देते घर में, उसका कोई महत्व नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार जो प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है, तो घड़ा मिट्टी का ही होना चाहिए, वही उचित होता है और उसी का ही महत्व भी है। और साथ ही जो आम्र पल्लव है, आम के पत्तों की टहनी, 2 टहनियां वो भी लाए, और उसको वो टहनी खंडित ना हो, पत्ते उसके टूटे हुए ना हो, बीच में छेद ना हो, और लगभग 7 पत्ते या लगभग 9 पत्ते या 5 पत्ते उसमें होने चाहिए। पंडित श्रीधर शास्त्री बताते हैं कि नवरात्रों के पहले दिन माता की चौकी को ईशान दिशा में लगाना चाहिए। घट यानी घड़ा, घड़े की स्थापना के बिना नवरात्रि अधूरे होते हैं। शास्त्रों में मिट्टी के घड़े की स्थापना करने का महत्व है। यदि मिट्टी का घड़ा नहीं मिल रहा है तो ताम्र यानी तांबे के घड़े की स्थापना कर सकते हैं, जिसे शास्त्रों में बेहद ही शुभ बताया गया है। नवरात्रि के व्रत पूरी पवित्रता और श्रद्धा भक्ति भाव से करने पर ही देवी दुर्गा प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है।